आज स्वामी जी देवभूमि उत्तराखंड में मुक्तेश्वर से कुछ ही किलोमीटर की दूर दाड़ीमा गांव में शिव जटा मंदिर है, वहां पहुंचे। मुख्य रोड से 500 किलोमीटर चलने के बाद अंदर एक बहुत ही सुंदर प्राकृतिक व पुरातन मंदिर देखने को मिलता है। यहाँ के स्थानिकों ने स्वामी जी को यहाँ के मंदिर की बहुत सारी जानकारी भी दी। बारिश के समय यहाँ पर नदी बहने लगती है व निसर्ग सौंदर्य कई अधिक बढ़ जाता है। यह पूर्ण परिसर बहुत शांत है, इसलिए यहाँ पर ध्यान करने योग्य वातावरण की निर्मिति अपने आप ही हो जाती है। यहाँ पर एक छोटा परंतु बहुत ही पुराना भगवान शिव जी का मंदिर है। इस मंदिर की महिमा के बारे में यहाँ के स्थानिक क्या कहते हैं, यह भी आप सुनिए। भक्त जनांचा प्रेमा साठी अवतरला जगी हा जग जेठी। भक्त जनांचा प्रेमा साठी अवतरला जगी हा जग जेठी। पुरवी तो कामना पुरवी तो कामना। कुछ नहीं कहा बकरी ने ना, ये देखो तो क्या बताए। अच्छा, पुरानी शिव जी की मूर्त है यहाँ जी। वो पहले से ही है। मैं जब बचपन में बहुत छोटा था सर, जैसे आजकल की जीवनी याद रहती है, तो ऐसे पता नहीं 3-4 साल का, पता नहीं कितना था, 4-5 साल का, तो मम्मी लाई थी मेरे को यहाँ। तो उस टाइम खाजी खसूर खसरा कुछ भी हो या कुछ भी दिक्कत हो, कहते थे हे शिव जी ऐसा कर देना तो हम आपके पास पानी चढ़ाएंगे, पूजा करेंगे। तो आए थे ऐसे, उस टाइम सड़क भी नीचे जंगल था, तो यहाँ से नीचे आजकल तो पानी नहीं है, नहाया यहाँ पर दोनों मम्मी ने मैंने। यहाँ पर जैसे ही आप बैठे हैं, यहाँ पर मम्मी बैठी थी, यहाँ पर मैं बैठा था, पूजा पाठ कर रहे थे, तो अचानक ये सर इनमें जो अभी मूर्ति है इनमें कंपन हो गया था। मुझे बहुत अच्छी तरीके से याद है, इतना कंपन जब हुआ हमारी मम्मी डर गई। उनने कहा भगवान किसने करी ऐसी गलती कि हमको ये छंबिशन क्यों कर रहे हो। लेकिन अब वो पुराने लोग थे ना, उनके दिमाग में इस तरीके का था कि ये नहीं सोचा कि ये भगवान कुछ दस्तक दे रहे हैं, और उल्टा दिमाग में यह आया कि ऐसा क्यों हो रहा है पता नहीं, क्योंकि किसी ने कुछ छुआछूत तो नहीं कर दिया या किसी ने कुछ गलती तो नहीं कर दी और हमें इस तरीके से क्यों कर रहे हैं करके। तो मुझे याद है तब मैंने इनको मतलब इतना कांपते हुए देखा है, और अभी भी मैं सुबह पूजा करके जाता हूँ, कभी कभी महीने 15 दिन में जैसे अंदर बैठता हूँ तो अचानक यहाँ घंटियाँ बज जाती हैं, दौड़ दौड़ के बाहर आता हूँ तो कोई नहीं होता है। यहाँ की 2-3 विशेषताएं। अगम्य झाले जाचे जीवन भाव से जरी होईल दर्शन। अगम्य झाले जाचे जीवन। कुछ समय मंदिर के परिसर में बिताने के बाद चाय पीकर स्वामी जी अपने आगे की यात्रा के लिए बढ़े। 2 महीने सन्यासीना चतुर्मास के दौरान रहने लायक स्वामी जी को यह जगह भी पसंद आई, और यहाँ के स्थानिकों की भी स्वामी जी को बहुत मदद हुई।
स्वामी जी यहाँ से आगे कहाँ कहाँ गए इसके बारे में हम अगली वीडियो में देखेंगे।